आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बात करेंगे आपके एग्ज़ाम के बारे में, तो आपका एग्ज़ाम सीबीटी रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 अंक के होंगे। इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का। और बात करेंगे इसके पीईटी और पीएमटी के बारे में, तो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में एसआई की पोस्ट के लिए 1600 मीटर का रेस 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को क्लियर करना होगा। और लॉन्ग जंप रहेगा आपका 12 फीट, हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच आपका हाई जंप रहेगा। एसआई फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का रेस 4 मिनट में क्लियर करना होगा। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट रहेगा। बात करेंगे कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, तो कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का रेस 5 मिनट 45 सेकंड में क्लियर करना होगा। और मेल कैंडिडेट के लिए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा वो रहेगा लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप रहेगा वो 4 फीट रहेगा। कांस्टेबल फीमेल के लिए आपको 800 मीटर का रेस 3 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करना होगा और लॉन्ग जंप रहेगा आपका 9 फीट और हाई जंप रहेगा आपका 3 फीट। बात करेंगे इसके पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में, तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट रहेंगे उनकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी मेल कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल की हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट रहेगी आपकी 80 से 85 जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगी 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। बात करेंगे एज लिमिट के लिए, अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसआई की पोस्ट के लिए आपकी एज 20 से 25 के बीच होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 25 के बीच आपकी एज होना चाहिए। बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।